YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कैथल से अगली खबर है, जहां जिला लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कैथल के रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना दे दिया है और यह धरना जिला संयोजक धूप सिंह सिरोही की अध्यक्षता में दिया गया है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता जयप्रकाश शास्त्री ने बताया कि हरियाणा सरकार रिटायर्ड कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की तर्ज पर नहीं कर रही है और ना ही 10 जनवरी 2018 का पत्र लागू कर रही है। मेडिकल भत्ता भी कम दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह लागू किया जाए। फैमिली पेंशनरों को भी LTC की सुविधा दी जाए और साथ ही उन्होंने मांग की कि पेंशन को इनकम टैक्स से फ्री किया जाए। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो लोग 1/6 से पहले रिटायर हुए उन लोगों की जो पेंशन है वो 1/6 के से बाद में रिटायर होने वालों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो एक तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उस डिस्पैरिटी को दूर किया जाए। ऐसे ही जो 2015 में हुए और 2016 में जो हुए उनमें भी बड़ी डिस्पैरिटी है, तो वो डिस्पैरिटी जो है ना वो दूर होनी चाहिए।